नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उन व्यक्तियों के लिए इलाज बताऊँगी जो व्यक्ति यूरिन की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको हर 15-15 मिनट पर यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। रात भर पेशाब जाने के चक्कर में वो सो नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा यूरिन उन्हें पास होता है, खुल करके यूरिन पास नहीं होता। तो आज मैं आपको इसी के विषय में बताऊँगी कि यूरिन की समस्या से हमें कैसे निजात मिलेगी। तो आज जो मैं आपको इलाज बताऊंगी वो लसोड़े फल से करेंगे। तो लसोड़े का फल आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और इसका अचार डलता है। ये साउथ में, गुजरात में और राजस्थान में बहुतायत से मिलता है। वहाँ वो लोग रोज़ाना इसको अपने आहार में शामिल करते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम कार्डियोमायक्सा है। इसका बरगद की तरह एक पेड़ होता है जिस पर छोटे छोटे चिकने चिकने फल लगते हैं, और ये फल गर्मियों में आते हैं और बरसात के मौसम में ये पक जाते हैं। जो लसोड़ा फल होता है उसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। अगर रोज़ाना 5-6 फल पके हुए खा लिए जाएं तो यूरिन की समस्या से बहुत जल्दी निजात मिलने लग जाती है। तो जो व्यक्ति यूरिन की समस्या से परेशान है और हर 15 मिनट पर उसको यूरिन जाना पड़ता है, तो लसोड़ा उसके लिए एक रामबाण का काम करता है। तो यूरिन की समस्या को समाप्त करने के लिए हमें केवल लसोड़ा के 5-6 फल चाहिए, और हमें इसका कुछ नहीं बनाना है, केवल हमें इसे पके फलों को खाना है। तो अगर आप 5-6 फल रोज़ाना 1 सप्ताह तक लगातार खाते हैं, तो आपकी जो यूरिन की समस्या थी, जो 15-15 मिनट पर आपको जाना पड़ रहा था, उसमें गैप आ जाएगा और धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। जैसे 2-2, 3-3 घंटे के गैप पर व्यक्ति यूरिन के लिए जाता है, आप भी इसी तरह से 2-3 घंटे के गैप से यूरिन के लिए जाने लगेंगे और यूरिन भी खुलकर पास होगा। और जब भी कभी आपको इस तरह की समस्या आए तो एक ये आसान सा उपाय आप करके देख सकते हैं। तो यूरिन की समस्या को ठीक करने के लिए मैं एक नुस्खा और बताऊँगी, क्योंकि लसोड़ा तो मौसम पर ही मिलता है, जब गर्मी का मौसम होता है या जब बरसात के मौसम में पक जाता है। लेकिन जो यूरिन की समस्या है वो तो मौसम देख कर नहीं आती, वो तो कभी भी आती है। तो इसके लिए हमें एक दूसरा उपाय भी करना ज़रूरी है। जब आपको लसोड़े का मौसम और लसोड़ा मिल जाए तो आप उसे खा सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरा उपाय करें। इसके लिए हमें अनार का छिलका चाहिए, और अनार एक ऐसी चीज़ है जो वर्ष भर मिलता है और हर जगह मिलता है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अनार नहीं मिलता। तो आप अनार खा लें और कोशिश करें कि जो उसका छिलका है उसको छाया में सुखाएं, और जब छाया में सूख जाए तो उसको आप मिक्सी जार में घुमा करके और पाउडर बना करके शीशी में भर के रख लें, और आप जो पाउडर बनाएं उसको फ्रिज में रखें, क्योंकि जब हम उसे बाहर रखे रहते हैं लंबे टाइम तक तो कई बार उसमें कीड़ा लग जाता है, जाला आ जाता है। अब जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो जिनको यूरिन की समस्या आ जाती है, जिनको 15-15 मिनट पर यूरिन जाना पड़ता है और खुल के यूरिन पास नहीं होता, अगर वो रोज़ाना 2.5-2.5 ग्राम अनार के छिलके का पाउडर सुबह और शाम पानी के साथ लेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर यूरिन की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी, जो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक टब चाहिए। तो जो बाथरूम में टब रहते हैं उसमें एक थोड़ा ऊंचा वाला टब भी मिलता है, तो आप वैसा वाला टब ले लें और उसमें 1/2 टब गर्म पानी भर लें। और गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए जिसको आप आराम से सहन कर सकें, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं चाहिए। और इसमें हमें पैरों को बाहर निकाल करके बैठना है, हमें अपने लोअर पोर्शन को डिप करना है। तो लोअर पोर्शन में जो आपका नाभि वाला पोर्शन है वहाँ तक पानी आ जाना चाहिए। अगर वहाँ तक पानी नहीं आता है तो जिस टब में आप बैठे हैं उसी टब से पानी लेकर आप अपने पेट के ऊपर डालते रहें, जिससे कि लोअर पोर्शन आपका पूरा पानी के अंदर डूबा रहे। जब 10 मिनट आपके पूरे हो जाएं तो टब से बाहर निकलें और टॉवल से अपना बदन पोंछ लें। दोनों में से कोई भी एक नुस्खा जो आपको आसान लगे, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो सके, 1 सप्ताह तक ज़रूर करें। और उसके साथ साथ जब आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।